नमस्कार दोस्तों, बड़ौदा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकदम है। आज मैं फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश से संबंधित कुछ तथ्य लेकर हाजिर हुआ हूँ। अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य के बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक टॉपिक बाय टॉपिक शंभू के बाद में आने वाले जितने भी अपभ्रंश के कवि हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकतर क्वेश्चन अपभ्रंश के संबंधित, अपभ्रंश भाषा के संबंधित आते हैं। परीक्षा में जब हिंदी का पेपर होता है तो उसमें अपभ्रंश से संबंधित प्रश्न आया करते हैं। तो मित्रों, आप अपभ्रंश साहित्य को भी जरूर पढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस से जो मैंने शुरू किया है, मैंने हिंदी साहित्य इतिहास जानने के स्रोत, उनकी पद्धतियां, राशो साहित्य, प्रसिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अब अपभ्रंश का नंबर आया है। तो अपभ्रंश से संबंधित जितने भी कवि हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने लायक है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए मित्रों, आज बात करते हैं अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य और इससे संबंधित हमारी यह प्रथम कक्षा है। तो आप ध्यान से इनको सुनिए और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, आपके लिए सहूलियत होगी, अच्छा रहेगा। और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो है उनको देखें, उनसे पढ़ें, उनसे लिखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र को आधार मानकर जो भी मुझे अच्छा लगा है, जो परीक्षा में आने के लायक है, उनको मैं लेकर आया हूं। देखिए शंभू की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार शंभू की चार रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार शंभू की चार रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती है, जिसमें पहली रचना है पयूम चरियु, जिसको पद्म चरित भी कहते हैं, ठीक है ना, पद्म चरित भी कहते हैं। जैन साहित्य या अपभ्रंश साहित्य की रामायण भी इसको बोला जाता है। जैन साहित्य या अपभ्रंश साहित्य में इसको रामायण भी बोला जाता है, इसको पद्म चरित को, जिसका नाम है पयूम चरियु, इसको रामायण बोला जाता है। ये अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, जैन साहित्य में रामायण माना जाता है या पूछ लिया जाता है अपभ्रंश साहित्य में रामायण माना जाता है, तो आएगा पयूम चरियु या दे दिया जाएगा पद्मचरित, दोनों में से एक ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। यह अपभ्रंश साहित्य की रामायण है पयूम चरियु। उसके बाद में बात करूं तो इस रचना के आधार पर शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये परीक्षा में आ चुका सवाल है, कई बार परीक्षा में आया है अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि यह शंभू माना जाता है, ठीक है ना। इसमें पांच कांड है और निवे संध्या है, जो ये इनका रचना है पयूम चरियु पद्म चरित, तो जो अपभ्रंश का रामायण माना जाता है, इसके अंदर पांच कांड, ठीक है ना, पांच कांड और निवे संध्या है। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जिसमें 83 संधियां शंभू के द्वारा रचित है तथा शेष 7 संधियां है उसके पुत्र जो त्रिभुवन है उनके द्वारा रचित है। 83 संधियां तो शंभू ने खुद ने रची और उसके बाद में 7 संधियां उसके पुत्र त्रिभुवन ने रची है। टोटल 90 संधियां है और 5 कांड है, इसमें पयूम चरित में, पद्म चरित में, जो अपभ्रंश का या जैन साहित्य का रामायण माना जाता है और इसके रचयिता शंभू है। अब बात करें कांड, पांच कांड कौन कौन से हैं। पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदर कांड, चौथा बुद्ध कांड और पांचवा उत्तर कांड। ये पांच कांड है, जैसे आप तुलसीदास का जो पढ़ते हो उसमें 7 कांड है, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है ना, उसमें 7 कांड है और इसमें 5 कांड है, ठीक है ना। दूसरा अगर इसके साहित्य की बात करें, शंभू का दूसरा साहित्य है ऋतणो मी चरियु, जिसको अरिष्टो ने मी चरित भी कहते हैं। शंभू की दूसरी रचना है ऋतणो मी चरियु अरिष्टो नो मी चरित, और तीसरा है पंचमी चरियु और चौथा है शंभू छंद। तो अधिकतर परीक्षा में इसका भी सवाल कई बार आ चुका है, और चारों रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं, इनमें से शंभू द्वारा रचित नहीं है ऐसा भी पूछ लिया जाता है, या इनमें से शंभू द्वारा रचित है
ठीक है ना, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में पूछे। समूह से संबंधित हिंदी साहित्य के पेपर में एक सवाल तो 100% पूछा जाता ही है। तो मित्रों ध्यान रखें, समूह को अच्छी तरीके से आप तैयार करें। देखिए पयोमचरियों को कड़वक शैली में रचित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आज के जो साहित्य चलते हैं जैसे रामचरितमानस है जिसमें शांत कांड है, सॉरी मैंने पहले बता दिया आपको, रामायण यह तुलसी द्वारा रचित नहीं है, रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में शांत कांड है और रामचरितमानस में जो कड़वक शैली आती है, कड़वक शैली का विकास यहीं से शुरू होता है, शंभू से शुरू होता है। शंभू ने सबसे पहले कड़वक शैली का प्रयोग किया। कड़वक शैली में सात चौपाई आती है और उसके बाद में एक दोहा आता है। देखिए मित्रों कड़वक शैली होती है, कड़वक शैली में सात चौपाई आती है उसके बाद में एक दोहा आता है, उसे कड़वक शैली कहते हैं। और कड़वक शैली का विकास शंभू के द्वारा किया गया। शंभू ने अपने अपभ्रंश साहित्य में कड़वक शैली को सबसे पहले अपनाया। धीरे धीरे आदिकाल भक्ति काल में आए, भक्ति काल में तुलसीदास ने भी कड़वक शैली का प्रयोग किया रामचरितमानस में। आज इतना ही, अगले वीडियो में और मैं अगली कक्षा में अपभ्रंश से संबंधित कुछ तथ्य लेकर आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। मैं आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद।